हमारे पास पास सीक्रेट सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी इन्फॉर्मेशन कि थी दो कि दो युवक युवक हैं हैं राजस्थान राजस्थान के के रहने रहने वाले, वाले, मल्ला मल्ला का का गांव गांव पड़ता पड़ता है है इसमें। इसमें एक एक साकिर साकिर है, है, एक एक वजीर वजीर खान खान नाम नाम के के दो दो लड़के लड़के हैं हैं और और बिना बिना नंबर नंबर की की एक एक एस्प्रेसो एस्प्रेसो गाड़ी गाड़ी है, है, उस उस गाड़ी गाड़ी के के अंदर अंदर लोहे लोहे का का रस्सा रस्सा है है जिसको जिसको वो वो डाल डाल के के एटीएम एटीएम उखाड़ने उखाड़ने का का कोशिश कोशिश करेंगे। करेंगे। तो तो हमारी हमारी टीम टीम ने ने इनको इनको राउंड राउंड अप अप किया किया सर। सर। राउंड राउंड अप अप करने करने के के बाद बाद गाड़ी गाड़ी की की तलाशी तलाशी ली। ली। इसी इसी गाड़ी गाड़ी की की तलाशी तलाशी लेने लेने पर पर इसमें इसमें से से दो दो देसी देसी कट्टा, कट्टा, तीन तीन राउंड राउंड और और एक एक लोहे लोहे का का जो जो रस्सा रस्सा है है जिसको जिसको ये ये डाल डाल के के एटीएम एटीएम उखाड़ते उखाड़ते हैं हैं सर। सर। उनके उनके साथ साथ इनको इनको काबू काबू किया किया सर। सर। देखिए देखिए माननीय माननीय एसपी एसपी साहब साहब के के जो जो कुशल कुशल दिशा दिशा निर्देशन निर्देशन में में हमारी हमारी टीम टीम कार्य कार्य कर कर रही रही है है और और कोई कोई भी भी इस इस तरह तरह के के असामाजिक असामाजिक कार्य कार्य करने करने वाले वाले को को किसी किसी भी भी तरह तरह से से रक्षा रक्षा नहीं नहीं जाएगा। जाएगा। पलवल पुलिस की होडल सीआईए पुलिस ने तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो एटीएम को उखाड़ने के लिए जा रहे थे। क्या उनकी प्लानिंग थी? आइए, हमारे साथ हैं होडल सीआईए इंचार्ज जंगशेर जी। जंगशेर जी, किस तरह का ये प्लान किया था इन्होंने लूट को लेकर, क्या कहोगे, कहाँ से इनको पकड़ा गया? देखिए, ये हमारी टीम महानंद के नेतृत्व में काम कर रही थी। महानंद था, उसमें हेड कांस्टेबल खुशबू था, कांस्टेबल कुलदीप और कांस्टेबल विनोद की टीम थी। हमारे पास सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी कि दो युवक हैं राजस्थान के रहने वाले, मल्ला का गांव पड़ता है इसमें। एक साकिर है, एक वजीर खान नाम के दो लड़के हैं और बिना नंबर की एक एस्प्रेसो गाड़ी है। उस गाड़ी के अंदर लोहे का रस्सा है जिसको वो डाल के एटीएम उखाड़ने का कोशिश करेंगे। तो हमारी टीम ने मुस्तैदी से कार्य करते हुए इन दोनों युवकों को काबू किया और गाड़ी की तलाशी लेने पर गाड़ी में से दो देसी कट्टा और तीन जिंदा कारतूस और जो गाड़ी जो रस्सा है लोहे का रस्सा है उसके सहित काबू किया इनको। क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है इनका? तीन जो आरोपी पकड़े गए हैं, कहाँ कहाँ पहले वारदात की थी, क्या जांच हुई है? दे साकिर है, साकिर के खिलाफ एक लूट का मुकदमा है, अटल पंथ थाना पड़ता है भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में, और दूसरा पहाड़ी गांव थाना है, पहाड़ी थाने में एक मुकदमा दर्ज है इसके खिलाफ, और तीसरा कर्नाटक के गुलबर्गा गुलबर्गा में इसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है, और दूसरा साथी जो वजीर खान है उसके खिलाफ एक मुकदमा है जो पहाड़ी थाने में वो दर्ज है। क्या गिरोह के कोई और भी सदस्य हैं जिनके साथ जो अन्य हो? फिलहाल तो तीन पकड़े गए हैं। अभी इनको आज कोर्ट में हम पेश करेंगे और कोर्ट में पेश करने के बाद माननीय कोर्ट से इनका रिमांड पुलिस रिमांड हासिल करेंगे और पुलिस रिमांड के दौरान इनसे गहनता से पूछताछ करेंगे सर। जो गाड़ी बरामद हुई है, चोरी की है, किसकी गाड़ी है, कहाँ से लाए थे इसको? नहीं, अभी तक तो जो पूछताछ में उन्होंने बताया कि अपने एक साथी थे, साथी से मांग के लेके आए थे सर। और क्या आगे कहना चाहोगे, जिस तरह से लगातार आप बदमाशों को, चोरों को पकड़ते जा रहे हो, क्या चेतावनी है ऐसे लोगों के लिए? देखिए माननीय एसपी साहब के जो कुशल दिशा निर्देशन में हमारी टीम कार्य कर रही है और कोई भी इस तरह के असामाजिक कार्य करने वाले को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा सर। हाँ, ये थे हमारे साथ होडल सीआई इंचार्ज जंगशेर, जिनका कहना है कि जो तीन आरोपी पकड़े हैं ये एटीएम लूट की योजना बना रहे थे, इनसे एक गाड़ी और अन्य सामान देसी कट्टे बरामद किए हैं। इनका कहना है कि पुलिस आगे भी इसी तरह कार्य करती रहेगी, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उनका कहना है कि पलवल एसपी राजेश दुग्गल के दिशा निर्देश पर पुलिस लगातार इस तरह से कार्य कर रही है। पहले भी ऐसे हथियारों के साथ हथियार नशा तस्करों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। पलवल से दिनेश कुमार, न्यूज 18 हरियाणा।